वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ़ द अल्ट्रा एच पॉडकास्ट मैं हूँ रोहन नदीम और आज जो मेरे गेस्ट हैं उनको uh, दुनिया भर से जो एक टाइटल मिला है वो है मैजिशियन का टाइटल जादूगर का टाइटल और uh, अगर आप उनकी बॉलिंग की वीडियोस जाके देखेंगे यूट्यूब पे अभी भी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको जादूगर क्यों कहा जाता है 447 इंटरनेशनल विकेट्स फॉर पाकिस्तान ही हैज़ वन सो मैनी मैचज अक्रॉस फॉर्मैट्स फॉर पाकिस्तान के अभी हम एक एक इनिंग्स अगर याद करना चाहें तो सिर्फ जो है वो मैजिक हमें नजर आएगा फील्ड पर तो उनसे बहुत सारी बातें करनी है आई हैव विद मी द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल सईद भाई वेलकम टू द अल्ट्रा एज पॉडकास्ट थैंक यू बहुत शुक्रिया आपके इन्विटेशन का इतना शानदार आपका रिकॉर्ड है इतने शानदार स्टैट्स हैं कि इंटरव बनाते हुए ना मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि मैं किस तरह इसको आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं यू मस्ट भी वेरी प्राउड अक्रॉस फॉर्मेट्स आप एक ऐसा बोलर आप थे कि आपने इतने बेशुमार मैचेस और इतने डिफरेंट कैप्टन के अंडर आप खेले तो यू मस्ट बी वेरी प्लीज विद योर करियर आई थिंक मैं अपने करियर से जितना भी खुश हो सकूँ वो काम है इसका एक्चुअली सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई दुनिया में कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर आप खुद से चाहो तो अगर आप ख़ुद डाउन हो जाओ तो वो चीज़ें भी सारी डाउन होना जरूरत और मेरा कैरियर का आगाज़ ट्वेंटी नाइन ईयरस हुआ है। थर्टी ईयर में मेरा डेब्यू हुआ है। और थर्टी वन ईयर में मेरा डेब्यू हुआ है टेस्ट मैच का तो इस, इस एज में जब मेरा डेब्यू हुआ तो इस एज में पाकिस्तान में ये ट्रेंड था कि बंदे को रिटायर रिटायर वही ना मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इस एज में आपने डेब्यू किया उस टाइम पर आपको क्या लोगों ने कहा आपके सराउंडिंग में कि यू आर टू लेट नाउ टू यू नो मेक योर डेब्यू क्या किस चीज़ ने आपको पुश किया कि नहीं ये अभी भी मैं कर इट नॉट टू लेट फॉर मी एक्चुअली ये मेरा लास्ट ईयर था डोमेस्टिक्रिकेट का मैंने मिसबा को क्योंकि मिसबा ही माई कैप्टन और फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो uh, मैं और वो कट्ठे खेलते रहे यूनिवर्सिटी हम कट्ठे खेले हैं हमने डिपार्टमेंट कट्ठे खेले हैं इवन दो uh, मैं वो सर्वस में था तो मैं वापडा में था वापडा के बाद हम केरल में चले गए दोनों देन वो सुई गैस में चला गया मैं जरही बैंक में चला गया जैद टी में वहाँ से मैं खेला हूँ उसके बाद रीजन जो था फैसलाबाद का उसमें हम कट्ठे खेलते थे वो कैप्टन था और मैं उसका प्लेयर जब तीस साल मेरी उनतीस साल एज हुई तीन दफ़ा पाकिस्तान में मैंने टॉप किया और उसके बाद चांस ना मिलने के बराबर मैंने इसको कहा यार मेरी अब शादी हो गई मैंने अट्ठाईस अट्ठाईस साल की उम्र में मैंने टू में मैंने शादी की मैंने उसको कहा मेरी शादी हो गई अब मेरी एक बेटी भी है तो मुझे अब कोई बिजनेस करना है तो मेरी फैमिली कहती है कि ये जो क्रिकेट है ना ये बिजनेस नहीं है इसमें कुछ आप अर्न नहीं कर रहे हो और जो आप अर्न कर रहे हो ना डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी मैं टू तो बी ऑनर्स होकर कहता हूँ कि इतनी अर्निंग है कि आप अपनी पॉकेट मनी चला सकते हैं फैमिली के साथ नहीं उस वक्त ये सूरत हाल थी काफ़ी मतलब के पाँच सौ रुपया डेली लाउन था अच्छा और चार हज़ार रुपया मैच की फ़ीस थी तो आपने अट्ठाईस साल की उम्र तक जितनी भी क्रिकेट खेली वो इसी लेवल पर खेली नहीं नहीं इससे पहले जब मेरा नाइनटी सिक्स में डेब्यू हुआ तब डेली अलाउंस फिफ्टी रुपये और नो फीस अच्छा मिलती भी नहीं थी फीस। कोई फ़ीस नहीं पचास रुपए के साथ आपने गुजारा करना है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रूम है और पचास रुपया डेली अलाउंस लेता था कोई मैच फीस नहीं तो आपने जो गेयर खरीदना होता था वो सारे वो हम लंडा जिंदाबाद <laughs> <laughs> उसमें काफ़ी देखें ये काफ़ी लोग शाये करते हैं कि ये शाये होते हैं कि पहले क्या कैरियर मैं आपने किया देखें हमारा गुजारा होता था कि लंडे से साफ सुथरे शूज़ शूज खरीदने इतनी सहूलत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से कोई शूज़ ले सकें पैसे नहीं कैपेसिटी नहीं थी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी उन्होंने कहा खुद ही से करो सारा अच्छा। फिर मैंने स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर लिया क्रिकेट के साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने ज्वाइन किया वो एक पार्ट टाइम जॉब होती है उसमें आपने इंश्योरेंस कर ली पैसे आ गए काम किया ठीक है ना किया तो नहीं मिलने वो मैंने ज्वाइन की साथ साथ क्रिकेट के तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ मैं अर्निंग भी थोड़ी बहुत करता रहा और उसके साथ साथ मैं क्रिकेट खेलता रहा फिर मैंने जा कर जब मैं केरल में गया तो मैंने फिर स्टेट लाइफ को ज्वाइन तो रखा साथ में मेरी चार हज़ार रुपया सैलरी लगी स्टेट केरल में तो चार हज़ार सैलरी से मैंने जब वो स्टार्ट किया तो उसके अलावा मुझे डेली लोन थोड़ा बहुत मिलता था बचत फिर भी कोई और फैमिली के लिए सिर्फ ये था कि उनको पता अब ये अपना खर्चा खुद ही उठाता है तो खेल ले मैं खेलता रहा और देन सडनली मैंने टॉप किया केरल से एक दफ़ा फिर दो दफ़ा फिर मिसबा छोड़ के चले गए उसके बाद फैसलाबाद से मैंने टॉप किया इवन फर्स्ट क्लास मैंने बड़ी अच्छी खेल रहा था तो ट्वेंटी नाइन का हुआ ना तो मैंने कहा यार अब बस हो गई मेरी मेरे वालद ने कहा कि यार मुंडिया बस कर दे तेरी बड़ी मेहरबानी तू तो कोई काम कर ला मैं कहा ठीक है मैं मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अगला सीज़न मेरा लास्ट है फर्स्ट क्लास का और मेरी अब रिटायरमेंट है तो मिसबा ने मुझे फ़ोन किया मैं इंग्लैंड जाता था इंग्लैंड से पैसे अच्छे मिल जाते थे मैं लीग खेलने के लिए इंग्लैंड जाने लगा तो मिसबा का मुझे फ़ोन आया इंग्लैंड ना जाई मैं क्यों एशिया कप आ रहा तो तेरा नाम आ जाना यार मेरा नाम कहाँ पे आ जाना है यार उसने कहा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका नाम घूम रहा है प्लीज जाना नहीं मैंने कहा यार दस हज़ार पाउंड मिलते हैं वही मेरी सेफ मनी है पूरे साल की मैंने उसी पे गुजारा करना है और तू मुझे कहता वो भी छोड़ दे अच्छा मैंने कहा तेरे लिए छोड़ दिया एक दफ़ा तो देख लेना टीम अनाउंस हुई फॉर कैनेडा टूर कैनेडा टूर में मेरा नाम आ गया एकदम मेरा नाम निकल गया टीम अनाउंस हुई टीवी पे अनाउंस हुई बैयादा मुझे फ़ोन आया पीसीबी का कि आपका नाम अनाउंस हो गया तो आप तैयारी करके आ जाएं मैंने कहा ठीक है मैं बड़ा खुश खुश घर पहुँचाऊँ तो मेरा नाम निकल गया अब मैं बड़ा परेशान निकल गया मतलब क्या मतलब, मतलब कि उसकी मेरी जगह शुएब खान कोयटा वाला उन्होंने अनाउंस करने के बाद कॉल करने के बाद उन्होंने चेंज कर दिया चेंज कर दिया और मुझे बड़ा ही दुख हुआ मैंने कहा यार अच्छा ठीक है कोई नहीं मैं डिसाइड नहीं होता अपनी मैं लाइफ मैंने कहा अच्छा यार कोई नहीं खैर मुझे लड़कों ने काफ़ी फ़ोन किया यार क्या होगा मैंने कहा पता नहीं फिर 2008 एशिया कप में उन्होंने मुझे अनाउंस किया एज़ ए अच्छा। ट्रायल बेस पे कि आपके ट्रायल हैं आप आ जाओ हम आपको ट्रायल के ऊपर ले रहे हैं और उसके बाद हम आपको सेलेक्ट करेंगे मैंने क्यों भाई मेरा कैरियर आपने नहीं देखा क्या मुझे चौदह साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए आपको यही नहीं पता चला कि सईद अजमल क्या चीज़ है जब वो क्या कौन सा बॉलर है क्या करता है इन्होंने कहा जी कि नहीं जी आपके ट्रायल होंगे मैंने इनकार कर दिया मैंने अच्छा। कहा मैं नहीं खेलता आप मुझे पंद्रह में अनाउंस करोगे देन मैं आऊँगा अदरवाइज अलैक्म मैं अपने घर में खुश आप अपने घर बहुत में। बड़ी बात होती है ये कहना ये इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में होना कि ये है जो है यू हैव टू गिव मी दैट रिस्पेक्ट बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है मुदसर नजर साहब ने मुझे कॉल की मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा सॉरी मुदसर भाई ने कहा यार आपके साथ ज्यादा हो रही है ठीक है आप आप राइट पे हो बट यार आप थोड़ा सा फॉलो मैंने कहा नहीं आना मैंने मिसबा ने मुझे फ़ोन किया कि यार क्या मसला है मैंने कहा मिसबा तो मुझे जानता है मैं अपने रूल्स के ऊपर बिल्कुल स्टिक हूँ और मेरी एक रिस्पेक्ट है और मैंने पाकिस्तान में टॉप किया है मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ या कोई मैं ऐसा प्लेयर नहीं हूँ क्या मुझे सेलेक्ट ही नहीं कर रहे अगर आपने मुझे करना है तो ठीक है नहीं तो डोमेस्टिक की आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो चलो भाई मैं नहीं यार इन्होंने मुझे ना थोड़ी देर चली बात रात को टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम आ गया मैंने कहा गुड ये तो <laughs> इज्जत <सथ> की बात <laughs> ये सही हुआ है उसके बाद मेरा कैम्प अनाउंस हुआ कैंप लग गया कराची मुझे याद है वो वर्ड्स उस वक़्त का जो चीफ सेलेक्टर है आप सर्च कर लीजिएगा मैं नहीं बताऊंगा बताए ना ये तो पता नहीं बीच में आपने ऐसे नाम इन मैंने, मैं, मैंने मैंने देखा चीफ सेलेक्टर 2008 का चीफ सिलेक्टर आप निकाल लीजिए जो भी है वाट एवर आपने निकाल लेना एक मिनट में आ जाना अच्छा क्योंकि एक वो रिस्पेक्ट वाली बात जहाँ वो कोई ऐसी चीज़ है ना वो मैं नहीं कहना चाहता उसने कहा कि चेयरमैन पीसीबी का बैठा हुआ था उसने कहा कि ये जो सेलेक्ट किया है इन्होंने शुएम मलिक और मिसबा ने इस प्लेयर को अगर मैं चाहूँ मैं पैड पहन के जाऊँ तो मैं ही ना इससे आउट आऊँ ये तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि कि किसने कहा था और अभी भी आप उनको चैलेंज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकता हूँ और ये मैंने ये गुनागार कानों से मैंने सुना है और स्वयं मलिक ने भी सुना है मिसबा ने भी मेरे पास आया उसने कहा यार सही भाई डिसपॉइंटेड नहीं होना हम आपको खिलाएंगे टेंशन नहीं लेनी आपने मैंने कहा देख लें करेट नहीं और आप नहीं हुए डिसहार्ट ये सुन के भी मैं बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं मच्योर आदमी मेरिड मैं एक बंदा हूँ मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर का दारो इसी पे है लेकिन अगर आप उस वक्त 19 बीस साल के होते और आप ये बात तब सुनते तो शायद आपके कॉन्फिडेंस पे तो तो लड़, लड़ी पड़ता है अच्छा क्योंकि यंग होता है ना समझ नहीं होती कि बंदे ने करना क्या है अब एक्सपीरियंस बंदा है उनतीस साल उसकी एज है और उसको आप ये बातें कर रहे हैं कि मुझे भी पता है मुझे डिसहार्ड कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे क्या था वो भी मुझे पता था इन्होंने मिडल में शायद अफरीदी को पैड कराए डी एच ए की ग्राउंड में कि सही अजमल जा के मिडल में बॉलिंग करेगा और इसको सिर्फ छक्के मारने अच्छा बट नॉट वो मेरा टाइम था मैंने खुल के बॉलिंग की बड़ी मज़ेदार बॉलिंग की जैफल होसन कोच था उसने बाहर आया यारियर स्टार्ट हुआ है और जब मैं मैच में आया हूँ तो मुझे मैच पता कौन सा मिला इंडिया के खिलाफ yeah. डेब्यू था डेब्यू से पहले मुझे कहा गया ये आपका पहला और आखिरी मैच है What? जी आखिरी आखिरी मैच है पहला और आखरी किसकी तरफ से कहा गया जिसकी तरफ से भी कहा गया कहा गया कि ये अगर सईद अजमल परफॉर्म करता है तो खेलेगा नहीं करता तो नहीं खेलेगा मैच इंडिया से है और सारी दुनिया मैच इंडिया पाकिस्तान का अब भी देख रही है मेरी टांगों से ना वो क्रैम पड़ने शुरू हो गए क्योंकि मैंने कहा क्या हो गया मेरी टांगों को ग्राउंड के अंदर भी नहीं गया तो पीछे से अब मैं अंदर गया हूँ ना तो मुझे क्रैम पड़ गए पहले दस ओवर में इतनी मार पड़ी है मैं कि मिसबा कप्तान था उसने कहा तूने पावर प्ले में ओवर करना है मेरी लक भी देखे ना मिसबा कप्तान <laughs> अच्छा मैं बड़ा परेशान के मैं मिसबा को कहा यार मुझे क्रैम पड़ रहे हैं तो मुझे ना जल्दी जल्दी ओवर दे दे मैं ओवर करके बाहर चला जाऊँ कह रहा है ये क्यों क्या कर रहे हैं तुम्हें मैंने आखिरी ओवर देने हैं मुझे और क्रैम पड़ गए <laughs> मैंने ठीक अच्छा आखिरी ओवर देना इसी पहले मैच में कह रहा ना मैंने कहा ठीक पहले पाँच ओवर मैंने किए अच्छी बॉलिंग की कॉन्फिडेंस से बॉलिंग की मज़ा आया मैंने कोई दूसरा वूसरा नहीं किया अपने आप को फोकस किया कि स्कोर रोकने बस उसके बाद मुझे क्रैप पड़ के मैं बाहर चला गया पट्टी पट्टी बांध के आया हूँ एक टांग पे फिर तीन चार ओवर निकले फिर क्रैम पड़ गए फिर दूसरी जागे क्योंकि जुलाई में मैच था गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई डिहाइड्रेट क्राउड ने भी किया हुआ था और अवाम मीडिया प्रेशर भी तो ना था प्रेशर उस का। पहला मैच और आखिरी मैच <laughs> इसका भी प्रेशर मैंने कहा अच्छा ठीक है सारा कुछ मैंने बर्दाश्त किया और मैंने आखिरी ओवर मैंने कहा जी करने मैंने कहा ठीक है और अपने आप को पूरा मैंने लबेड लबूड के ग्राउंड के अंदर आखिरी ओवर करने के लिए फेंका फिर उसके बाद जो मैंने बॉलिंग की है <laughs> मज़ा वो हम सब के पास वीडियोस हैं हम सब देख सकते हैं सईद भाई अभी आपने बोला आपने इस मैच में इतनी कोई वेरिएशन नहीं की लेकिन बाद में जब आपने अपना दूसरा डेवलप किया वो क्या प्रोसेस था कब जाके आपको ये फील हुआ कि नहीं आई नीड अ सेकेंड बॉल आई नीड टू हैव एक और वेपन इन माई इन द बैक ऑफ माई हैंड देखें इसका क्रेडिट मैं अपने फैसलाबाद के एक लड़के को देता हूँ अकील अहमद मुरली इसको कहते थे ऑफ स्पिनर था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था और उस वो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता था वो दूसरा करता था उस, उसके दूसरे करने से मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया मैं टू थाउजेंड थ्री नहीं टू टू में हुँ. उसने फिफ्टी सेवन विकेट्स लिए फर्स्ट क्लास में और मैंने कोई हार्डली पैंतीस या तीस लिए अब नेक्स्ट ईयर तो उसी का चांस था अब मुझे कहा गया जाने से पहले कि अगर आप कोई नई वैरायटी सीख लो ना yeah. देन हम आपको खिलाएंगे ने कहा अदरवाइज़ हम आपको नहीं खिलाएंगे मैंने कहा यार अच्छा कोई नहीं अल्लाह मालिक है मैं इंग्लैंड चला गया अब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ पे मैं कोचिंग कर रहा था तो मैं अकेला था वो मुझे ना बकट बॉल का ना दे देते दे थे दे 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 कोच कि ये अपने साथ ले जाएं घर में मेरा घर पास ही था तो जब भी प्रैक्टिस हो तो ले आइएगा तो मैंने कहा प्रैक्टिस के बाद ग्राउंड क्या करती क्या तो खाली होती है मैंने कहा क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ उनके वाइन आउट yeah. मैं दो महीने की छुट्टियाँ आ गई बच्चों की अब एट वीक हॉलीडे होती है वहाँ पे तो वीक से मैं वीकेंड में मैच खेलना सारा दिन फारग वेला मेरे और का वेला भी कोई नहीं सकता <laughs> <laughs> तो मैं ना मैंने कहा अच्छा मैंने स्क्रैन मशताक की वीडियो ना उस वक़्त पाकिस्तान yeah. टूअर इन ऑस्ट्रेलिया था ऑस्ट्रेलियन ने ना बड़े करीब से सक्रैन की वो सारी ग्रिप्स दिखाई मुझे मुझे नहीं मतलब कि पूरी दुनिया को बताई मैंने कहा गोरे को मुझे उसकी क्लिप्स चाहिए अच्छा. उस वक़्त वो ये वो टेप रिकॉर्डर होते थे जिसमें वो फिल्म yeah. चलती थी ना मैंने कहा यार इसमें रिकॉर्डिंग करके ना मुझे कितनी दफ़ा रिकॉर्ड कर दे मैंने इसको Loop बार बार देखना है हाँ तो उसने मैंने कहा स्लो पे कर देना उसने कहा ठीक है मैंने उस वीडियो को चार दिन लगातार सिर्फ देखा आगे पीछे करके कि इसकी ग्रिप क्या है किस तरह ये बॉल को पकड़ता है सकलैन मिशा उसने देखा तीन फिंगर से है बॉल वो ऊपर से फिंगर से फेंकता है आम बंदे को लगता था वो ऐसे फेंकता है बट वो फिंगर के ऊपर से फेंकता है मैंने उसको ना अपने दिमाग में अडोप्ट किया उसके बाद इसका मैंने इम्प्लीमेंट किया जाके मैंने शक्लैन की वीडियो देखी उसने बताया था कि पहले नौ कदम से करते हैं फिर पंद्रह से फिर बारह से ऐसे कर, -कर के ना वो सारी चीज़ें मैंने उसको ले के टू मंथ्स इन फो एट वीक्स हॉलीडे वीक्स में जो बच्चों की थी मैंने इस दूसरे को एवरी सिंगल डे तीन सौ बॉल दो सौ बॉल करके ना मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया किसके साथ प्रैक्टिस करते थे आप वहां पे? कोई भी नहीं था सिर्फ मैं था सिर्फ आप होते थे ग्राउंड मैच और मेरा दिल भर जानी बस मैं ही था <laughs> अकेला ही मैंने एक्चुअली दिमाग को अपने को फोकस किया कि आज मैंने दूसरा करना है पहले दस दिन मेरा बॉल यहाँ से निकलता था तो सीधा yeah. फुल टॉस जाके ना नेट पे लगता था सीधा फुल टॉस आजकल के बच्चे को एक दिन बॉलिंग सिखाओ ना आए तो दूसरे दिन कहता है ये कौन सी सिखाई है आपने hmm. ये तो सीधी फुल टॉस जा रही है नीचे जा ही नहीं रही ये ऊपर नहीं जा रही बच्चे बहुत जल्दी डिसार्ड होते हैं दस दिन मुझे ऑलमोस्ट दो हज़ार बॉल के करीब करके मुझे उसका ठप्पा ज़मीन पे लगना शुरू हुआ wow. सिर्फ के देख देख के खाली आपने इतना और उसका बाउंस जो है ना उसको डाउन करने के एक बहुत डिफिकल्ट एंगल है इस बॉल को आपने फिंगर्स के ऊपर फेंकना है फिंगर के अंदर से नहीं फेंकना है और फिंगर के ऊपर से फेंकने के लिए आपको इसकी फोर्स चाहिए पूरी तो उस फोर्स को बरकरार रखने के लिए मुझे टू वीक्स लगे कि इसको डाउन करूँगा फिर मैंने दस कदम से फिर पंद्रह कदम से करते करते एक माह के अंदर मैंने ना उस बॉल को एटलीस्ट उस लाइन पे फेंकना शुरू कर दिया उसमें वो कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था कभी प्रैक्टिस जा रहा? चल रही थी लेकिन पहले, पहला बैट्समैन कौन था जिसको आपने दूसरा वो था उसी लीग में इंग्लैंड की लीग में एक बैटर था वो काउंटी क्रिकेट खेलता था तो उसका मुझे ना, कुक नाम नहीं कोई ऐसा ही था कोई इस गोरे का नाम मुझे पता नहीं याद उसको मैंने स्लिप में आउट किया पहला ही स्लिप मैंने कहा वाह गोरा मुझे कहता है कि यार ये कहाँ से आई वराइटी मैंने कहा मैंने इसकी प्रैक्टिस किया कहा लुक वेरी गुड यार वेरी गुड की बॉलिंग लाइक दैट मैंने उस मैच में पांच आउट किए चार मैंने दो बोल्ड किए तीन स्लिप में और सारे के सारे दूसरे पे wow. वो गोरा मेरे पास आया उसने कैसे तूने सीखा मैंने कहा मैं ये मेहनत करके सीख रहा हूँ आपने या? ये नहीं कहा मैं नहीं बताऊंगा नहीं 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 ये देखें ये हर बंदा नहीं कर सकता जाहिर है और इतना मुश्किल काम है और इसके लिए आपकी शोल्डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए बॉडी ये आपको पता है मैं थ्रू पूरा कैरियर दूसरा करते हुए मैं अभी यही पूछने वाली थी आपकी इंजरी कैरियर में मेरे ये ये अपना जिसको कहते हैं पेंडिक्स पेंडिक्स के साथ एक मसल जो है ना वो मेरा थ्रू कैरियर जब तक मैं क्रिकेट खेलता रहा वो पेन होता रहा और इतना सवियर पेन था कि एक टाइम पर मैं लेट जाता था कि अल्लाह मुझे बचा इतने सवीर पे और इसके ऊपर मैंने पूरी दुनिया में टेस्ट कराए हैं ज़ीरो और जैसे ही मैंने क्रिकेट छोड़ी है ठीक हो गया ठीक हो गया <laughs> तो इसका मतलब था उसी वजह से था मैं बॉलिंग करते हुए hmm. और कैरियर ऐसा नहीं है फिर मैंने उससे सीखा दो माह मैंने बॉलिंग की बॉलिंग के बाद मैंने दूसरा सीख किया है जैसे ही मैं कम बैक करके पाकिस्तान आया तो फर्स्ट क्लास फैसलाबाद के ट्रायल थे उन्होंने मुझे कहा हमने आपको सेलेक्टिंग करना मैंने मुझे बॉलिंग करने दो सिर्फ बॉलिंग करनी करो मैंने बॉलिंग की तो दूसरा ठा हाँ भाई वो मुझे कहते हैं यार ये कहाँ से सीखा फिर है? तो फोन बजना शुरू हो गए होंगे उस टाइम पे बिल्कुल बड़ा मज़ा आया उस सीजन में मैंने सबसे ज्यादा आउट किए हैं और स्पेशली जब दूसरा मेरा था कि मैंने इतने बैट्समैनों को रिसीव किया स्पेशली टी एंड ओ में मैंने तो पास भी नहीं आने दिया किसी को और इस पॉइंट से फिर आप एक पॉइंट ये आया था वन यूअर लाइक एन इनडिसबल पार्ट ऑफ पाकिस्तान आपके बगैर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हमारा एक बोल्डिंग अटैक भी होगा इस पॉइंट से उस पॉइंट की जो जर्नी थी आपकी कितनी शानदार बिकॉज आपने इतने कैप्टन के अंडर खेला और तकरीबन तमाम आपकी क्रिकेट जो है वो पा, जो पाकिस्तान जो आपकी होम क्रिकेट थी वो आउट ऑफ पाकिस्तान यूएई में खेली गई ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था कि आप अपने क्राउड के सामने नहीं खेल पाए यूएई में आपके मोस्ट होम सीरीज़ वहीं पे खेलनी पड़ी आपको देखें डेब्यू uh, जब मैं हुआ पाकिस्तान में हुआ और मैं अपनी टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेल सका ये मुझे बड़ा अफसोस रहा है और रहेगा भी क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान है और यहाँ की इवाम के दरमियान खेलना और परफॉर्म करना आप इमेजिन करें कि वो जो यू में दो हज़ार बारह में जब मैंने परफॉर्म किया अगेंस्ट इंग्लैंड अगर मैं yeah. पाकिस्तान में होता तो क्या होता क्या होता तो मिस तो मैंने किया बिल्कुल और इतना स्वेयर मिस किया स्पेशली मेरी फैमिली ने जितना स्ट्रगल किया ना मेरे साथ क्योंकि मैं सात साल क्रिकेट खेला हूँ सात में से मैं छः साल मुल्क से बाहर हूँ और इस दौरान मेरी बेटी बड़ी हुई वो मेरे साथ ही ट्रैवलिंग कर रही थी कभी कभी आ जाते थे छुट्टियाँ मिल जाती थी दो बच्चे मेरे हुए दोनों को मैंने नहीं देखा देखा मतलब कि कोई पता नहीं है बड़े क्या हो रहा है क्या उसकी तरबियत करी उसकी वालदा कितना और... मुश्किल होता होगा ये इस देखे में आपके बच्चे थे और लोग है। होती है तो। मैं तो अभी तक्रीफाइस तक कर रहा हूँ आप आम बंदा वो वो काम करता है जो हम नहीं कर सकते आम बंदा इजीली खा पी सकता है घूम सकता है अभी तो मैं तो अभी भी ग्रीन टी पी रहा हूँ अपने आप को सेहत के लिए देखें सारा कुछ अवेलेबल है अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर हम वो काम नहीं कर सकते जो आम बंदा कर सकता है तो हर चीज़ में हमें सक्रीफाइस करना पड़ता सक्रिफाइस। है सक्रिफाइस। और स्पेशली मैं अपने फैंस का बहुत मशहूर हूँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया प्लस मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमल रिक्वेस्ट है किसी भी प्लेयर से कोई हुँ। भी ऊपर नीचे होता है लाइक अभी इंडिया के ख़िलाफ़ नमाज से हुआ है तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं होता सपोर्ट हमें चाहिए होती है ये तो आपके आप भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब आपको बॉल पकड़ाई जाए और आपने इतने रन डिफेंड करने हैं आखिरी ओवर में आपके सामने एक सेट बैट्समैन खड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रेजमेंट की होती है ज़रूरत उस अब आप बिल्कुल पे. आपका पॉइंट मैं समझता हूँ आप जिस पॉइंट पर बात करना चाह रही हैं एक्चुअली वही मैच की ही मैं बात करता हूँ माइक हसी वाले मैच की बिल्कुल एक्चुअली उसमें दो चीज़ें हैं एक तो मैं डिस, मतलब मुझे डिसपॉइंटेड तो बहुत हुआ जाहिर बात है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मैंने हरवा दिया अब इसके मैं ये कहूँ कि मैंने हरवा दिया तो है ये गलत है ये थोड़ा सा ज़्यादा उस सोच को चेंज करने के लिए जब मैं घर आया हूँ ना तो मेरे वालद ने मुझे पता गया मैं चार दिन घर से नहीं निकला क्योंकि मैच हार गया था पाकिस्तान और लोग पाकिस्तानी बड़े बातें करते हैं अभी कर रहे हैं मेरे ऊपर अब भी करते हैं मैं अब भी सोशल मीडिया पे मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो नीचे से कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मैसेज करता है सईद भाई माई कसी वाला मैच याद है वो लोग नहीं भूलते हक की वो वाली शॉट आज तक कोई नहीं वो जितना मर्जी उसके बाद अपने आप को उन्होंने मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन वो रहे हैं लेकिन लोगों की मेमोरी क्योंकि पाकिस्तानी इतनी क्रेजी है क्रिकेट के बारे में कि हम एक एक चीज को जो है वो इतना ज्यादा फील करते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ होगा जब आप वापस आए होंगे मेरे और... लिए इतना मुश्किल हुआ प्लस उसके बाद इंसिडेंट पाकिस्तान का वो हो गया जो मैच फिक्सिंग वाला इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट हाँ no. उसके बाद वो चीज़ और वो मैच फिक्सिंग वाली चीज़ यकीन करें वो मैंने अपने कैरियर के जो तीन साल गुजारे हैं ना, वो हार्डेस्ट फॉर एवरी वन मतलब कि इतना टफ था कि लोग इमेजिन करें या ना करें हमें इतना लाओ था कि ग्राउंड के अंदर पैर रखना है और सीधा होटल में आना है हम किसी बंदे के साथ शॉपिंग में नहीं जा सकते किसी सिंगल बंदे के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते कमरे में आपने खाना खाना है और आपको कैद हो गई है फॉर थ्री ईयर और इस कैद में सईद अजमल ने सारी अवरें भी सारा दिन करनी है और उसके बाद मिसबा की भी सारा दिन सुननी है और उसके बाद सुनने के बाद कमरे में जाके बेगम की भी सुननी है तो हमें तो कैद क़ैद ही मिल गई ना सारी तो वो कैद के तीन साल मेरे लिए बड़े टफ थे <laughs> तो कमरे से बाहर नहीं जा सकते ना तो तो बेगम कमरे में है तो तो क्या करेंगे आप <laughs> ये तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा उस टाइम पे लेकिन नहीं देखें उसमें मैंने दो चीज़ सीखी मजाक तो अपनी जगह जब मुझे मार पड़ी मैं घर आया मेरे वालद ने कहा कि इसका जवाब मेरे बच्चे इस ग्राउंड में देना है ग्राउंड के अलावा इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर तू जो मर्जी कर मुझे तुम्हें वर्ल्ड नंबर वन बनाना है और आप बने वर्ल्ड नंबर तो ऐसे जो इंक्रेजमेंट जो माँ बाप से आती है ना ये इंक्रेजमेंट वो इट डज़ नॉट इक्वल टू एनी थिंग एल्स ये आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उस मैच उस ओवर के बाद जो है वो आपने अपने आप अप की अपनी गेम चेंज कर ली थी आप वॉट हैपन लाइक यू नो इतना ज़्यादा आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया कि आप इतनी इतने लो पॉइंट के बाद इतने हाई पॉइंट पे एक्चुअली मेरे वालद के इंतकाल के बाद एक्चुअली इमोशनल उनके इंतकाल के बाद सॉरी उनका जब इंतकाल हुआ ना उनके इंतकाल के बाद मैंने कहा उनका जो गोल है ना वो मैंने पूरा करना मैं ग्राउंड में गया हूँ सब चीज़ें बर्दाश्त की हर चीज मैंने फिर अपने आप को यह किया कि आप फोकस हो जाओ कुछ ना हो तो कुछ करना है और दुनिया में बंदा हर काम कर सकता है अगर वो चाहे मैंने अपने फोकस किया मैंने अपनी जो बॉलिंग थी उसको मैंने रीबिल्ड किया मैंने कहा कि एनालिस्ट मेरे साथ मोहम्मद तला और असमान हाशमी पीसीबी के उनका मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ मुझे वो हर अपडेट देते उनको मैंने कहा कि यार ये मेरा बॉल है इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या लूप है क्या गलती है कि लोग मेरा जो वो दूसरा वो जज कर रहे हैं उसने कहा कि, कि आपका जब हाँ एक ये 2009 में मेरे साथ हुआ था मैं 2009 के 2011 हम कहाँ पे थे ऑस्ट्रेलिया टूर था पता नहीं yeah. 11 था कि आई डोंट कि 10 के एंड पे था वहाँ पे एक बच्चा था अच्छा उसने कहा सही अजमल हाउ यू नो यू बोल व्हेन यू बोल दूसरा वाई द पीपल जज वाई योर थम्स इज अप इज गोइंग अप मैंने कहा है मेरा हाँ, अंगूठा ऊपर जाता है तब पता चलता है मुझे ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जज किया अच्छा मैं वापस आया तो मैंने एनालिस्ट को कहा गया यार तो वीडियो चेक करना कि वाकई दूसरा करते हुए मेरा अंगूठा ऊपर आता है उसने देखा उसने कहा हाँ जी मैंने कहा अच्छा इसको कैसे करना है मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी उसी सीरीज़ के दौरान ही टेस्ट मैच हो रहे थे टेस्ट मैच मैंने पहला खेला हूँ मुझे टे, सेकंड टेस्ट मैच बाहर बैठा दिया

इज ए समिफर सही मुझे वो अज्जी कहता था अच्छा. मैंने कहा नथिंग आई फील जो थम्स अपर बॉल दूसरा एंड इज डाउन एंड स्टिल बॉल कमिंग टू अदर वेन्ने मुझे देखना शुरू किया उसको मैंने आउट कर दिया अच्छा अब वो बाहर आया उसने मुझे बाहर मुझे मिला है उसने कहा यार कि इतनी जल्दी तूने ये कैसे सीख लिया मैंने कहा देख लाइफ है ना डिसीव करना है ना तो सीखना पड़ेगा दुनिया में, में रहना है, करनी है तो, तो, खेलना तो आपको कुछ करना पड़ेगा तो मैंने उस दौरान वो अपना थम्स अप को ना थम्स इन किया पंद्रह दिन में ये आपने वैसे अपने करियर में दो तीन पॉइंट्स पे अपने अपने अपनी बॉल को री किया हुआ है बेशक वो दूसरा हो या अभी आपने इसी को एक और तरीके से रिसीव करने के लिए आपने किया फिर आपने आपका जब बैन के बाद आपने अपना एक्शन री किया बार बार अपने आपने अपनी डिलीवरी ये आसान नहीं होता बॉलर के लिए बार बार एक मैन जो सिक्स वही ना कि आपने इस एज में आके यू यू नेवर यू वर शाए फ्राम इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड मेकिंग योर सेल्फ बेटर मोर डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रकटि देखें अगर आपको वर्ल्ड नंबर वन बनना है ना जहाँ आपको दुनिया में अपना नाम बनाना है एक तो आपको किसी भी जगह पे शाइ नहीं होना आप मेरा इंटरव्यू देख लें 2010 वाला मैंने नासिर हेन को दिया मोस्ट पॉपुलर मेरा इंग्लिश yes. में <laughs> मैं अभी भी उसको सुनता हूँ तो मैं खुश होता हूँ कि मैं मैं उससे कुछ नहीं होता कि मैं बोल के आ रहा हूँ मैं hmm. उससे खुश होता हूँ कि मैं उसको जवाब जिस कॉन्फिडेंस से दे रहा हूँ ना मेरा वो कॉन्फिडेंस मुझे बिल्डअप कर रहा है मुझे ये नहीं देखना कि मैं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है और मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है अगर मैं कोई मुझे अभी भी भेजता ना तो मैं उस पर खुश होता हूँ यार ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है नेगेटिव कोई नहीं है और दुनिया में जितनी तनकीद होती है ना अगर आप उसको नेगेटिव को निकाल के पॉजिटिव थिंक पे जाएंगे ना तो आप दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं होंगे बिल्कुल। और मेरी वो बातें जो मैं टीवी पे बैठ के जहाँ किसी भी जगह पे करता हूँ ना इसके पीछे मेरा वो तजर्बा है जो मैं करके आपको बताता हूँ और इंसान एक ऐसी बला है दुनिया में इंसान अल्लाह ने एक ऐसी बला पैदा किया है जिसको दुनिया की हर बड़ी से बड़ी चीज़ पर कंट्रोल है और वो क्या है वो सिर्फ़ इंसान है और अल्लाह ने सबसे ताकतवर जो चीज़ बनाई है ना वो जिनाद भी नहीं है वो इंसान है इंसान मखलूक हाँ, है। उन चीज़ को भी कंट्रोल करता है जो उसकी नज़रों में भी नहीं है सईद भाई लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये हमारे जो हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी ज़्यादा क्यों ऑप्शस है प्लेयर्स की इंग्लिश के साथ चाहे वो आप हों चाहे वो अभी की टीम में आप देख लें बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती है कि नहीं ये कैप्टन है इसको आना चाहिए हाउ इम्पॉर्टेंट ड्यू यू थिंक इट इज़ ये बहुत ज़्यादा लोग आ, बुरा समझते हैं कि प्लेयर अगर उर्दू में बात कर रहा है और उसको इंग्लिश नहीं आती है बोलनी मजाक बनाया जाता है अगर कोई अटैम्प्ट करता है इस तरह आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए देखें मुझे नहीं इंग्लिश आती जब मैं परफॉर्मर था ना वर्ल्ड नंबर वन बनाऊँ मुझे बड़े बंदों ने कहा इंग्लिश बोले मैंने कहा मेरी मर्जी भी मैं जो मर्ज़ी करूँ मैं इंग्लिश नहीं बोलूँ आपने मेरी मदर लैंग्वेज में मेरे साथ इंटरव्यू करना तो करो और मैं शायद नहीं हूं और ना ही होना चाहिए हमें इंग्लिश नहीं आती जो हम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है ये आम बंदा नहीं कर रहा है और दुनिया में वर्ल्ड नंबर वन का मतलब है वर्ल्ड नंबर वन तो उसके लिए दुनिया को आना चाहिए उसको दुनिया के पास नहीं जाना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज आई हेट दैट वर्ड कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बुरे हैं आपको आती हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे हैं वाह यार आपका जो कैरियर है वो दुनिया का सबसे अच्छा है आपकी जो जुबान है ना ये मीठी जबान ये दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो आप इससे बुरा भी काम कर सकते हैं अच्छा भी कर सकते हैं जितना अच्छा प्यार से बोलेंगे जितना मोहब्बत से बोलेंगे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे क्रिकेट कैरियर इंग्लिश से क्यों जोड़ रहे हैं आपका जो कैरियर है वो आपका वो वो टेक्नोलॉजी है वो आपकी जो जो साइंस है साइंस है चले साइंस कहें मैंने देखे जो वर्डिंग मैंने कहा था साइंस इज द मैन बिल्कुल मैन कैन डू एनी थिंग हंड्रेड परसेंट इसका मुझे तो उर्दू में तर्जमा करके दिखाए चले साइंस की उर्दू क्या होती है साइंस इज द मैन मैं कहता हूं साइंस एक्सप्लेनेटरी है देखिए साइंस ट्रांसलेशन साइंस इज द मैन मैन कैन डू एनीथिंग साइंस इंसान से बनी है साइंस छोड़े आप तो जादू रहे हैं आपको तो जादू आपका तो अगले लेवल पे है साइंस को भी आपने पीछे छोड़ दिया इट्स इनएक्सप्लेनेबल मैं देखें ना इस वर्डिंग को मैं आपको उर्दू में अभी बता देता हूँ मेरे कहने का मकसद ये है कि साइंस इंसान ने बनाई है इंसान ने इसको आजाद किया है अल्लाह ने नहीं अल्लाह ने दुनिया बनाई है दुनिया में इंसान को छोड़ा है इंसान से बत्तीस हजार साल पहले की बात इंसान ने आजाद किया है किसने किया है साइंस ने तो इंसान ने उसके ऊपर तजर्बा किया तो वो आया ना बिल्कुल तो इंसान तजर्बा ही नहीं करता तो इंसान कैसे है? हर चीज जो है वो बना सकता है, है कर, कर सकता है उसको मैं यही कहता हूँ साइंस इज द मैन ये बड़ा पॉपुलर हुआ है वैसे आप मैन कैन डू एनीथिंग इंसान हर काम कर सकता है अगर वो चाहे अच्छा आपने एक ऐसा बहुत बड़ा काम किया अपने करियर में जब आप पहले तो आ, उस बैन के बारे में अगर हम बात करें आपने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में वो पूरे जो जर्नी थी आपकी जब आप पे बैन लगाया गया आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली एंड विदाउट एनी फियर आपने उस टाइम उस पे भी बोला था कि ये ज़्यादती की गई है मेरे साथ और पाकिस्तानी बोलर्स के साथ हफीज़ भी उसमें शामिल थे अभी भी क्या आपको लगता है कि ये जो आई ने आपको टारगेट किया था हफीज़ को टारगेट किया था ये अनफेयर था ट्ड्स तो पाकिस्तान देखें अगर उस रिज़ल्ट की बात की जाए जो मेरा वो निकला था उसमें 2009 में मैंने पहली दफ़ा मेरे ऊपर हुआ एलिगेशन जो आस्ट्रेलियन ने लगाया जब रिपोर्ट हुआ था पहली दफ़ा जी मैं उस एलिगेशन के लिए मैं गया सिडनी जब मेलबर्न गया आई थिंक मतलब मुझे याद ही नहीं है hmm. वहाँ गया हूँ वहाँ पे उन्होंने जब मेरा मेडिकल टेस्ट लिया तो उस टेस्ट में मेरा जो राइट शोल्डर है वो नाइन्टी डिग्री तक टेढ़ा हो गया hmm. मतलब कि जब मुझे उन्होंने लटाया तो मेरा शोल्डर नीचे गिर गया इस तरफ नाइन्टी डिग्री तक टेढ़ा हो गया अब उन्होंने कहा जी कि ये नाइन्टी डिग्री आम इंसान का शोल्डर नहीं गिरता वो गिर ही नहीं सकता और जब उन्होंने मेरी रिस्ट पकड़ी तो मेरी रिस्ट मूव कर गया टूटी हुई है तो ये रिस्ट मेरी है ना आगे पीछे मूव होती है अब जैसे मैं हाथ को ऐसे पकड़ता हूँ तो ऑटोमेटिक हाथ मेरा मूव इधर हो जाता है उस ये कोई इंजरी की वजह से है ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली अच्छा। जब मैं कहीं मेरी हाइएस्ट टकरा गई थी फर्स्ट क्लास टीम का मैच हुआ था उसमें हाइएस्ट टकरा गई थी बस के साथ ट्रक के साथ तो उसमें वो राउंडिंग को 15 से 16 तो आपको मेडिकल एग्जंपशन क्यों नहीं मिली अगर आपके साथ तब मिली थी तब मिली थी बाद में फिर उस वक्त भी मेरा जो जो वो विद इन फिफ्टीन डिग्री नहीं था हुँ. जब मेरा तब टेस्ट हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ ये मेरा शोल्डर ये ये रिस्ट आप देखें ना हुँ. मैं यहाँ से इसको सीधी करता हूँ मेरी यहाँ से नहीं मूवमेंट दे दे yeah. यहाँ से मूवमेंट yeah. हो रही है यहाँ से नहीं हो रही yeah. ये मुमरा ये तो वहीं पे खड़ा है तो ये 24 डिग्री टेढ़ा है और oh. जिस इंसान का नाइन्टी डिग्री शोल्डर गिर जाता हो वो बेंड किए बगैर उठा ही नहीं सकता बॉल नहीं कर सकता वो बॉल भी कोई भी चीज़ नहीं उठा सकता मतलब कि मैं यहाँ से बॉल के अलावा भी कोई चीज़ उठाऊँ तो मुझे यहाँ से बेंड करके उठाना पड़ता है तो उस इंजेक्शन की वजह से मुझे वो शूट मिली देन टू में जब मेरा टेस्ट हुआ टेस्ट रिपोर्ट सेम इसमें एक लॉ आ गया कि मेडिकल कंडीशन अब विदा मुरली धन के रिटायरमेंट के बाद ये हुआ मेरे साथ जैसे ही मुरली रिटायर हुआ उसके बाद उन्होंने मेडिकल लॉ को ख़त्म करके मेरे ऊपर सबसे पहले अटैक किया उन्होंने अटैक मेरे ऊपर डायरेक्ट नहीं किया उन्होंने पहले अश्विन को कहा बॉलिंग से रुक जाओ छः माह नारायण को कहा इंटरनेशनल क्रिकेट मत खेलो लीग क्रिकेट खेलो उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा क्या हम ये लॉ चेंज कर रहे हैं उनको रोका बिकॉज आप रिकॉर्ड निकाल के हाँ देख लें उस टाइम पे छः माह नहीं खेला नारायण बिल्कुल इंटरनेशनल के नहीं खेला उसने छोड़ के अपनी लीग क्रिकेट छोड़ दी मुझे कहते भाई हमने लॉ चेंज करना है आपके ऊपर लागू नहीं करता आप आप, आप कोई और लीग सी खेल लो हम ये नहीं कर सकते मैं वर्ल्ड नंबर वन था टी में वर्ल्ड नंबर वन टेस्ट में नंबर टू ओ में नंबर वन और वन वन टू पर था और मैं कंटिन्यू चल रहा था जैसे बाबर आजम चला टी में मैं हर एक में कंटिन्यू चल रहा था और वो उस तीन साल में मैंने जब मैंने बारह तेरह चौदह में थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स विकेट लिए इन तीन साल में ये मेरा काम बैक था आफ्टर जब असी ने मुझे मारा उन थ्री ईयर में कोई बंदा भी मेरे पास आया तो वो था एक एंडरसन उसके वन विकेट थे टोटल तो कितना फर्क था भी पास नहीं आया था वो हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स विकेट बिहाइंड सेकेंड प्लेस बिटवीन मी stat. तो yeah. इसमें देखें इसमें मैं कैसे पीछे जा रहा था उनको पता था मैं काउंटी खेलने गया काउंटी क्रिकेट में मैंने पहले मैच में फिफ्टीन विकेट लिए इतना इतना ग्रीन घास तो वो परेशान थे एक बंदा आया सीजन स्टार्ट में उसने आते ही सात मैच में सत्तर आउट कर दिए काउंटी के हुँ. मैच में तो क्या चीज़ है इसमें क्या मैं कौन सा जादू ना है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे आपको जब उन्होंने डिसीजन अपना बताया वर्डिक आईसीसी ने कि अच्छा अब बैन है मतलब अब खाली रिपोर्ट नहीं हुए हुए आप टेम्प्रेरी अब आप नहीं खेल सकते कैसी फीलिंग थी उस टाइम पर बींग एट द पीक ऑफ योर करियर एंड बींग टोल्ड कि आप इल्ली, अभी तक आपने जो बॉलिंग की है वो इलीगल है देखें बड़ा अफसोस हुआ मुझे जारी बात है मैंने इतनी मेहनत करके ऊपर आया एज मेरी ऑलमोस्ट कोई लाइक थर्टीज सेवन थर्टी एट थी और उसके बाद रीबिल्ड करना मुझे एक्शन को दोबारा लेके आना उसके बाद मैंने इसको पास भी किया ये नहीं आपको कि किसने हेल्प किया रीबिल्ड करने में, री री में देखा इसमें चार तीन चार प्लेयर मुझे हेल्प किए सकलैन ने हेल्प किया इसमें मुश्ताक अहमद ने हेल्प किया है बहुत सारे बंदों ने हेल्प किया मगर इसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट मैंने किया एक मेरा बायो मकैनस्ट था परफॉर्म बर्मिंगम उसका नाम है नाम उसका मैं भूल गया हूँ उसने मेरी बड़ी हेल्प की गोरे ने बाय की उसने मुझे एक्चुअली मुझे बताया कि तुम्हारा जो बाजू सीधा नहीं हो सकता टाइम पे आपको लोगों ने ये तो वैसे कहा तो होगा कि अच्छा अब आपकी ये एज हो गई है तो रिमॉडल करके भी अगर आप आएंगे तो वाई नॉट गो फॉर रिटायरमेंट ये वाले सवाल भी आपको बहुत से सुनने पड़े होंगे उस टाइम पे मुझे तो बहुत कुछ सुनना पड़ा 2000 मैंने 2014 के एंड पे मैंने इसको क्लियर किया दो मिड में जून में मेरा हुआ प्रॉब्लम चौदह के पंद्रह की जनवरी दो हज़ार पंद्रह की जनवरी में पहले महीने में मैंने इसको क्लियर किया कि वर्ल्ड कप आ रहा था वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में टेन, आ, आवर का मुझे वो खेलना था और मैंने उसके बाद रीबिल्ड किया मुझे कहा गया पीसीबी की तरफ से कि आप आराम आराम से बॉलिंग कीजिएगा आहिस्ता अच्छा, टाइम में जब आप बैन लगा हुआ था आपको किन लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आया और किन की तरफ से आपको फील हुआ बेशक वो प्लेयर हो या कोई इदारा हो जिसकी तरफ से आपको नहीं वो सपोर्ट फील हुआ रिग्रेट होता होगा ना सोच के कोई गिला आता जो अदारा जो हमारा चल रहा है वही है अब मैं उसका नाम क्या लूँ पता जो सपोर्ट आई है वो मेरे घर वालों से आई है बिल्कुल मेरी फैमिली ने कहा देखें आपका कैरियर पहले ही बहुत अप्स एंड डाउन में है तो आप इस क्रिकेट को खैरबाद कह दें उस वक्त मैंने कहा यार मैं वर्ल्ड नंबर वन बनाऊँ और ये मेरा ड्रीम है और इस ड्रीम को मैं लेके अच्छी तरह से जा रहा हूँ वाई मैं मैं रिटायरिंग ले लूँ उस वक्त मैं को टेन कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर भी था अर्निंग तो उसमें तो पीक पे पे थे उस टाइम ये रिटायरमेंट के बाद मतलब तो उस वक्त तो मैं बादशाह था जहाँ इमरान खान है ना <laughs> उस वक्त मैं तब तक हर जगह से जो भी है ये सी है नो कोई नहीं है हर चीज़ आ रही है जा रही है और इतना ज़बरदस्त माहौल मज़ेदार क्योंकि टॉप रैंक आपको आप कैसे रखते थे होपफुल कि नहीं अभी भी मेरे पास एक इतना साइट मौका है कि मैं वापस आके वापस अपना जो तख्त है वो संभालूं वो मेरा एटीट्यूड था मैं नेवर गिव नेवर गिव अप एवर अभी भी मैं अगर चाहूँ अगर मुझे आईसीसी अभी भी कहे कि सईद अजमल छः माह बाद आपने इंटरनेशनल मैच खेलना है रीबिल्ड हो के आप आ जाओ तो सईद अजमल विल बी निगराउंड फॉर हंड्रेड एंड टेन परसेंट सेम बॉलिंग लाइक ये एटीट्यूड ही आपका है जो आपको वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर वन पे लेके गया लेकिन अभी आपने हिंट किया सईद भाई कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल सका फ्रॉम द बोर्ड डू यू थिंक कि आपको ये फील आपको ये फील होता है कि क्योंकि आपके रिटायरमेंट स्पीच पे भी आपने इसका जिक्र किया था कि पीसीबी नीड्स टू थिंक अबाउट देयर स्पिनर्स देखिए जब मैंने रिटायरमेंट का ऐलान किया वो टूर्नामेंट्स स्टार्ट में मैंने कर दिया टी ट्वेंटी वो डोमेस्टिक टी ट्वेंटी था मैंने उससे पहले वाला टी ट्वेंटी में टॉप किया पाकिस्तान से जब मैंने रीबिल्ड करके आया तो मुझे सिर्फ एक मैच खिलाया पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैच आप देख सकते हैं उसके बाद मैं डोमेस्टिक खेला मुझे इंजी भाई ने कहा कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करो मैंने कहा अगर मुझे डोमेस्टिक में परफॉर्म करना है देन मैं क्यों खेलूँ क्रिकेट अगर आपने मुझे कहा खिलाना वो मेरी एक मेरा एक नाम है मेरी एक रेपटेशन है उन्होंने कहा नहीं जी करें मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला कराची की तरफ से कराची नेवर एवर विन टी ट्वेंटी कम्पिटिशन दैट टाइम आई एम द ओनली बॉलर विद द री एक्शन एंड आई एम टूक ट्वेंटी विकेट इन दैट टूर्नामेंट एंड विन द चैंपियन टी ट्वेंटी ट्रॉफी फॉर कराची एंड देन मैंने कॉल की इंजी बाई को उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन साहब नहीं चाह रहे कि आप खेलें मैंने कहा ठीक है मैं वापस आ गया फर्स्ट क्लास खेला चार पांच मैच खेला उसके बाद दोबारा टी ट्वेंटी कम्पटिशन आ गया उसमें मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट इकट्ठे करता जिसमें मैंने रिटायरमेंट ली रिटायरमेंट दी मैंने उनको कहा कि एनी चांस आई एम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान कह रहे नो no. मैंने कहा मैं इस टूर्नामेंट में रिटायरमेंट दे रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच आप लोगों की सपोर्ट का अगर आप मुझे करना चाहते हैं कोई सिंगल बंदा ग्राउंड में पी का नहीं आया

जाहिर है सुनना और फिर बार बार आपको ये चीज़ दोहराते हुए सुनना कि आपके साथ और सबको ये फील हुआ था कि ज्याती हुई है इंटरनेशनली जो मेरे आ, साथ पूरा, पूरा गवर्नेंस है उनकी तरफ से मेरा पहले पेल दोस्त बनाया गया इंडियन दोस्त बनाए गए इन इधर इंग्लैंड में काउंटी खेलते वो दोस्त मेरी वीडियो बनाते 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 आहिस्ता आस्ता उन्होंने दो साल में मुझे कैच किया कैच करने के बाद क्या मुझे प्रॉब्लम है सारी चीज़ें उसके ऊपर काम करने के बाद उन्होंने जाके मेरे ऊपर हाथ डाला ये पी को क्यों नहीं पता था जब इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया तब वो किधर थे सारे देन ये उसके बाद मैंने इनको कहा कि मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनके ऊपर केस करना चाह रहा हूँ आई के ऊपर मुझे एन क्यों नहीं मिली अगर वो केस मैं जीत जाता तो आई एम स्टिल प्लेइंग इन पाकिस्तान टीम तो उस टाइम पे खैर आपने उस टाइम पे ये भी, भी बता दिया था कि अब मैं लीग्स में नहीं खेलूँगा पाकिस्तान के अंदर जो लीग हो रही है उसमें नहीं खेलूंगा फिर हमने देखा कि आप पी एस एल का एज अ कोच आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो चेंज कैसा रहा वो जर्नी कैसी रही कि अच्छा अब अब मेरा रोल ये है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बेहतरीन रहा और देखें आपने कुछ करना है और मैं क्रिकेट लवर हूँ और आई लव कि लवीड हाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे दूँ जो फ्यूचर में मेरी कंट्री के काम आए और मैं अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो भी क्रिकेट खेल अगर वहाँ भी मिसबा हक आपके लिए थे तो बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी वो थी रिमाइंडर थी कि आपने करियर भी अपना उनके साथ शुरू किया देखें मुझे इस्लाम आबाद ने कहा कि सईद भाई हम आपको आई पी एस एल नहीं खिलाना चाह रहे मुझे आपको पता है कि सिर्फ चेयरमैन की वजह से पी एस एल के पहले ड्राफ्टिंग में मुझे सेप्लीमेशन में इस्लाम आबाद ने उठाया मुझे yeah. किसी भी ड्राफ्ट में पिक नहीं करना मैं इसके उस पर नहीं जाना चाह रहा कि मेरे साथ कौन सा बंदा क्या कह रहा था पी के अंदर जिसकी वजह से मुझे टीम में नहीं खेलने दिया गया वो भी कोई वजूहत थी अब मैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है अब मैं कहना नहीं चाहता वो यंग प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस थे उस टाइम पे अब यंग प्लेयर भी तो आपके सामने ही खेल रहे हैं तो कितने यंग माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं आपको भी पता है मुझे भी पता है और हमारी मिडिल ऑर्डर का सवाल तो अभी भी ना <laughs> तो ही बात तो हम बिल्कुल नहीं लो करना करना चाह रहे एक्चुअली देखें ओल्ड इज ओल्ड एंड यंग इज यंग अब ओल्ड इज गोल्ड को ना डबल गोल्ड कर लें कि आज भी तो ओल्ड इज ओल्ड नहीं किया ना गोल्ड तो क्या करना है यंगस्टर आपके अगली हैं परफॉर्मर होते हैं मगर कंसिस्टेंट परफार्मर वही होता है जो मैच को पढ़ के देख के सोच के रीड करके खेलता है और चाहे उसकी उम्र जितनी मर्जी हो मैं तो खेल रहा था मेरे तो मेरा तो डेब्यू तीस में हुआ और मैंने अपने कैरियर में अपने दो बच्चों को बिल्कुल पाला ही नहीं है मैंने अपनी सिर्फ एक बेटी को पाला है जो छोटी वाली, आप वाली।, वाली हो आपको पता है मेरा उससे कितना प्यार है वो मुझे कहीं हिलने नहीं देती वो मुझे पता है कि मैंने ये बच्चा मैंने पाला है तो ये तो मेरे ना फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और इन सारे कैरियर में पी ने मुझे तब सपोर्ट किया मीडिया ने मुझे तब सपोर्ट किया जब मैं टॉप पे था उस वक्त कोई अंधा भी होता वो भी मुझे सपोर्ट करता कि मैं सईद अजमल को पसंद करता क्योंकि सईद अजमल टॉप है तो आपको एज अ कोच कभी आ, अप्रोच किया हो कि आप आए टीम के साथ एज अ स्पिन कोच क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर है ही नहीं किस तरह आप देखते हैं आप अपने रोल को इन द फ्यूचर डी यू थिंक आप होना तो चाहेंगे मुझे एक्चुअली अंडर 19 के लिए पाकिस्तान अंडर 19 के लिए एक दफ़ा बुलाया गया था अच्छा। और मेरा इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आपको हम रख रहे हैं बार उसके बाद उन्होंने को पता नहीं क्या नज़र आया उन्होंने मुझे नहीं रखा आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या रीज़न था उनकी वजह से बट मुझे बांग्लादेश की टीम से ऑफर आई थी अच्छा एज ए स्पिन बॉलिंग कोच जब डेनल बक्टोरी ने कहा कि मैं नहीं करूँगा तो उसके बाद इन्होंने रिंगरा हिरात को रखा ना उससे पहले साकब से मेरी काफ़ी दोस्ती है उसने मुझे अच्छा। फ़ोन करके पूछा कि सईद भाई इफ़ यू आर अवेलेबल अच्छा तो हम आपको रख सकते हैं मैंने कहा यार पहले मुझे अपना वो शेड्यूल भेजें दो साल का करना मैंने कहा उस दो साल में मैं बाहर ही था मुल्क से अच्छा और मुझे घर घर के लिए बॉस मैंने उनको कहा पैसे भी अच्छे थे फिर मैंने उसको कहा यार सॉरी मैं फैमिली को इतना टाइम आपने ऑलरेडी इतने साल फैमिली से दूर गुजारे और अब जो है इस तरह के असाइमेंट्स जाहिर है आपकी फ़ैमिली के बारे में भी हमने काफ़ी सुना हुआ आपके थ्रू ही मीडिया वगैरह में भी लेकिन अब इस पॉइंट पे जब इस वक्त जहाँ पे सईद अजमल है आ, अपना फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं एज अ कोच तो हम सब जानते ही हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं टू तो इस्लाबाद यूनाइटेड आपकी अकेडमी भी है क्या हमें अकेडमी से अब कोई और सईद अजमल मिलेगा Soon. तो जी सही तो अजमल तो जाता है अकेडमी मगर मिलने वाला काम जो है ना वो बड़ा मुश्किल तो ना निकालें किसी को एक्चुअली देखें अब जो क्रिकेटर आ रहे हैं न स्पोर्ट्स मैन एक तो उनकी फजीक बहुत डीली डाली मेहनती कम और जो बच्चा मेहनती है वो गाँव वगैरह से आ रहा है शहर वाले मोबाइल के ऊपर हैं वो इनडोर एक्टिविटी ज़्यादा रख रहे हैं बच्चों को पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ खुदा रहा जो भी मेरा ये प्रोग्राम देखे ना उनको सिर्फ़ दो घंटे के लिए बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रखें देखें सुबह स्कूल जाता है बच्चा आके ट्यूशन पढ़ने चले जाओ ट्यूटर आ गया जी पढ़ लो जी ठीक है पढ़ ली उसके बाद हाफ साहब आ गए जी कुरान पाक पढ़ लो उसके बाद जब बच्चे को इशा का टाइम होता है तो वो कहता है मोबाइल दे दो तो, डेढ़ घंटा मोबाइल लेता है उसके बाद वो मुझे है। आपके घर की भी यही कहानी है हर सिंगल घर की कहानी है मेरे घर में भी है मगर मेरा एक घंटा है मोबाइल पे दो घंटे बच्चे ग्राउंड में जाते जातेमी ढाई घंटे वो तो जाते हाँ। हैं ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेटी भी आपकी जो है वो भी बेटी घर में जिम बना के दिया है घर में वो नहीं तो क्रिकेट का शौक है किसी को बेटी को नहीं बेटों को दोनों को है बेटी मेरी उसको भी जिम का घर में एक घंटा एक्सरसाइज करना जबरदस्त अपनी लाइफ को बेहतर करो स्ट्रांग करो और इनडोर एक्टिविटी को कम करो फ्रेंडशिप बनाओ घर में बैठे हो तो मोबाइल फैमिली के साथ नॉट अलाउड ये डिसिप्लिन जो है ये अभी से चल रहा है बहुत देखें पता क्या है देख हम बातें कर रहे हैं सारे बैठे हैं सारे फोन पे खाना लगा हुआ है ये खाना है ये साथ मोबाइल रखा हुआ है वॉट इज़ दिस ये मैं भी आज से कम करने की कोशिश करूँगी मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ ऐसे <laughs> नहीं है मैं झूठ नहीं बोलूँगी लेकिन सही भाई आपके साथ करियर में बहुत सारे हाईज एंड लोज अभी आपने मैंशन uh, किया और आपको थोड़ी सी अभी रिग्रेट भी है कुछ करियर का कीपिंग एवरी थिंग इन माइंड क्या आप चाहेंगे कि आपके दोनों बेटों में से कोई एक या दोनों पाकिस्तान को रिप्रजेंट करें इन द फ्यूचर ऑफकोर्स देखें मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं करूँगा मैं उनको ट्रेंड करूँगा ट्रेंड फॉर अ डिफरेंट पर ट्रेन फॉर इज फिटनेस मैं हेल्थी होगा तो बच्चा कुछ करेगा ना मुल्क के लिए कुछ कर सकता है मुल्क के लिए कुछ करना क्रिकेट ही नहीं है ना मुल्क के लिए और भी बहुत सारे प्लेटफार्म हैं उसमें वो कुछ कर सकता है मैं उसको इस हिसाब से ट्रेंड कर रहा हूँ कि बच्चा लाइफ आपने खुद जीनी है इसके लिए मैं आपको ट्रेंड इस मकसद के लिए कर रहा हूँ कि आप किसी ना किसी तरह मुल्क की खिदमत कर सको वो क्रिकेट है वो पढ़ाई है मैं बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है कि नाइन्टी नाइन परसेंट मार्क्स आने चाहिए नहीं तो मैं घर से निकाल दूँ मैं कहता हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ो पास हो जाओ जिसके नाइन्टी नाइन परसेंट मार्क्स आ रहे हैं उनको जॉब मिल रही है पाकिस्तान में नहीं मिल रही है ना तो फिर उस बच्चे को भी मैं क्यों ना फॉलो कराऊँ जो सारा काम करे क्रिकेट भी खेले स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले अपने तरीके से सही तरह अच्छा पढ़ ले बोल ले खा ले और तरीका बोलने का आ जाए यही सारी चीजें ना आपके बच्चों ने पढ़ना भी छोड़ देना मेरे बच्चे आपने कहा था मैं अपने बच्चों पे बहुत खुश हूँ और मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि ये 99 परसेंट मार्क्स क्या चीज है कुछ क्या है कोई कोई साइंस पढ़ लिया मेरी मेरी बेटी है पूरे टॉप आती है पूरे स्कूल्स में टॉप आती है वो दीनी स्कूल में पढ़ती है इंग्लिश हर चीज मेरा सोशल मीडिया सारा वही चलाती है हर काम वो करती है मैं भी चलाता हूँ मगर क्या है जी वो बर्गर बच्ची तो वो क्या है और बर्गर बच्ची, वैसे आप क्या होती है बर्गर बच्ची? बक, ब, ये है कि सारा दिन मोबाइल पे लगी ये देखा और ये कर लिया खाना भी वहीं पे बैठ के खाया पढ़ भी वहीं पे लिया सौंप भी वहीं पे गई <laughs> उठ के कोई काम नहीं किया ये इसको कहते हैं बर्गर बच्ची और वो बच्चा देखे पेरेंट्स आप खुद से अपनी लाइफ को बिल्ड करो एक्चुअल में जो चीज़ है ना मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो कि आप कर क्या रहे हो आपका फ्यूचर क्या है आपने 99% परसेंट मार्क्स लेकर दुनिया को बता दिया हो मेरा बच्चा ये है वो है और उसके बाद आप आपकी हेल्थी लाइफ ज़ीरो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ज़ीरो आप, आप चालीस साल में तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे सत्तर साल के तो क्या क्या लाइफ है इमरान खान की तरह जियो ना सत्तर साल में भी ऐसे भाग रहा है सिंगल बंदे की तरह मैं उसकी सियासत की बात नहीं कर रहा मैं उसकी खाना पता कितना खाता है खान साहब इतना कितना दस किलोमीटर बंदा सत्तर साल की उम्र में भागता है हमारे सत्तर साल की उम्र में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हमारे जो पुराने बंदे हैं जो अभी के बंदे हैं उनसे चालीस साल में भी चढ़ी नहीं जाती ये तो खैर अभी क्रिकेट में भी हमने हम ये देख रहे हैं कि ये जो एज फैक्टर है ना ये भी अब बहुत इ हो गया है टी ट्वेंटी हो कोई भी फॉर्मेट हो इट डज़ नॉट मैटर हमने आपको आपका एग्जांपल एग्ज़ाम्पल हक का एग्जांपल

वरना फिर आगे जाके जो है वो सारे बर्गर बच्चे बन जाएंगे नहीं मैं सही देखें। 100 तो भी, रहा, रहा खाना खाना? बिल्कुल ऐसा ही है, ये ये है, भी है।, बहुत है आपको काफी सारे आज मिले है मैन हिमसेल्फ सईद अजमल जादूगर आपको कैसा लगता है ये टाइटल अपना देखिए ये रमीज राजा साहब ने मुझे ये नाम दिया था और उसके पीछे आपका रीजन भी बताएं कि बता क्या रीजन है एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है देखें आपको कोई निक नेम हो और ऐसा हो कि लोग आपको समझें कि यार ये वाकई इसने किया है तो Magician. अच्छा लगता है जबरदस्त सहीद भाई बहुत शुक्रिया फॉर बींग आर गेस्ट ऑन द अल्ट्रा एज पॉडकास्ट आई होप आपको आज इंटरव्यू का मज़ा भी आया होगा सवालों का अपनी मेमोरीज बिल्कुल आपने मुझे नट्स निकालने दिए अदरवाइज ड्राई फ्रूट बाद में आर गेस्ट ये जो हमारे साउंड वाले जो हमारे मेंबर हैं टीम के उमर भाई उन्होंने हमें एक लाइन कही थी कि आपकी आवाज़ आएगी इसी आपने नहीं खाना लेकिन अब क्योंकि इंटरव्यू रैप अप हो गया है सो